यज्ञ सिंह जी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से बना रहता हूँ। प्रभु की बढ़िया अनुग्रह है और भी एक दान का पवित्र प्रभु ने हमें दान दिया। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को मिलकर उसका महिमा करे, उसकी आराधना करे। तो वास्तव में प्रभु कितना दुनिया कितना भयानक अवस्था में एक मतलब प्रतिकूल अवस्था में गुजर रहा है, उसके बीच में प्रभु ने हमें कितना अच्छा संधि दिया है। मैं आपको बोलता हूँ हमें ऐसा मिल करके आराधना करना, हम लोग 2 साल कोरोना के कारण कैसा गुजरा हमें मालूम है, है? मतलब हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाता था, है ना? कितना उसमें हमको एक प्रकार आत्मिक जीवन में दुख झेलना पड़ा, लेकिन प्रभु ने वो सारी बातों को पार करके एक अनुकूल परिस्थिति प्रभु हमें बना कर दिया। जो भी है, जब हम प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठा होता है तो बहुत आनंद होता है, और जब हम मिलकर के प्रभु का गीत गाता है, प्रभु का भजन सुनते हैं, इन सारी बातों में बहुत आत्मिक स्वर्ग का अनुभव हमको यहाँ से होता है। हम मरने के बाद अनंत जीवन पाएगा ऐसा नहीं, हमने अनंत जीवन पाया है और वो जीवन का अनुभव हम यहाँ से आरंभ करता है ना। उस अनुभव में रहने वाले लोग हैं सच्चा मसीह लोग। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें उसके लिए हमको लायक बनाया, उसके लिए प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया, है ना। हम लोग कितना मतलब दबाव में था, मृत्यु का एक डर में था, परंतु यीशु मसीह ने मृत्यु को मृत्यु से हरा कर हमें प्रभु ने जीवित आशा दिया। वास्तव में बहुत बड़ा बात है प्रभु ने हमारे लिए जो किया, वो बात हमेशा हमें मतलब याद करना चाहिए, प्रभु को महिमा दे करके जीना चाहिए। आज भी हमें इसका योग्य बनाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए जो कुर्बान हुआ, उस कालवरी सूली की मृत्यु का याद लाने वाला मेष हमारे बीच में है। आज भी मेष में शामिल होने के लिए प्रभु ने हमको अवसर दिया। तो मेष में जाने से पहले कुछ बातें प्रभु ने जो हमारे लिए किया, कुछ बातें हम प्रभु के वचन के द्वारा ध्यान करेंगे, उसके आधार में आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 19 अध्याय, उसका 32 से 35 तक का वचन। यूहन्ना का सुसमाचार, जॉन गॉस्पल चैप्टर 19 वर्स 32 to 35। तो प्रभु को धन्यवाद देता है कि मानव यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस रीति में उसका मृत्यु का वक्त में भी प्रभु का वचन में लिखा हुआ बात पूरा हुआ, है ना। प्रभु का वचन में लिखा हुआ बात पूरा हुआ, प्रयोग उसका एक भी हड्डी तोड़ा नहीं गया, है ना। एक एक भविष्यवाणियों को भी वहां पर पूरा होता है। एक बात हमें जानना है कि मतलब पूरा व्यवस्था यीशु मसीह में पूरा हुआ, हर एक बात, एक एक छोटी छोटी करीब 333 ऐसा भविष्यवाणियां था, क्योंकि वो सारे बात एक एक करके प्रभु में पूरा हुआ। बहुत बड़ी बात है, है? वो एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर 25 भविष्यवाणी पूरा हुआ, वो 24 घंटे के अंदर। अभी आप देखिए, है ना, प्रभु का हर एक बात है, एक एक बात, और वो भी कितने हजारों साल पहले, और इस प्रकार होना ये प्रभु का वचन है, इसलिए हुआ। आदि में अंत जाने वाला प्रभु का वचन है, इसलिए हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
मानो हम लोग जो विश्वास किया भाई सच्चाई पर विश्वास किया है ना, उसमें कैसा बना रहना चाहिए। मैं उसमें से एक बात आपको बताना चाहूंगा, आज जो प्रभु की पंजर छेदा गया तो वहां से मानो लघु और पानी निकला है ना। ये लघु और पानी इस बात को बताता है, उसके बारे में थोड़ा सा बातें मैं आपको बताना चाहूंगा आज। तो आपको मालूम है, आपको मानो लघु के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है ना। जब इस लघु बात के बिना हमारा छुटकारा नहीं था, हमारा छुटकारा नहीं था, तो उसके लिए हमें हमेशा का छुटकारा प्रदान किया है ना। ये प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लघु बहाने के द्वारा क्या हुआ, हमेशा का छुटकारा। इब्रानियों का पत्री उसका 9 अध्याय का 12 वचन, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। देखा, अनंत छुटकारा मतलब हमेशा का छुटकारा है ना, अनंत छुटकारा प्राप्त किया। देखो कितना अनोखा बात है ना। अभी हमारे छुटकारे के लिए हमें कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, प्रभु ने हमें जो मतलब प्राप्त किया, हमारे लिए जो प्राप्त किया वो अनंत छुटकारा है, मतलब हमेशा हमेशा के लिए। देखो प्रियो कितना अनमोल बात है, हमको मिला हुआ छुटकारा का भेद हम जानते हैं क्या है? प्रभु ने हमें मतलब इतना बड़ा दाम दे करके हमें खरीदा है। हमारे छुटकारा कोई आसानी से नहीं हुआ है ना, और कोई वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। वो बात हम पहला पत्रोस में, पहला पत्रोस 12 अध्याय का 18-19 वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नितम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने। देखा, चांदी सोने से नहीं हुआ। देखो मतलब चांदी सोने से होने वाला बात नहीं था, फिर कैसे हुआ? निर्दोष और निष्कलंक मेमने। प्रियो इतना बड़ी बात है, और किसी के लहू के द्वारा भी नहीं हुआ, निर्दोष और निष्कलंक मेमना। ये दुनिया में ऐसा एकमात्र व्यक्ति है जो कि हमें मानव इस पाप से छुटकारा दे करके हमको मानव इस प्रकार खरीद सकता था। कितना बड़ी बात है ना, हमें मिला हुआ छुटकारा कितना श्रेष्ठ है। प्रियो मंडली छुटकारा पाए हुआ लोगों का झुंड है। देखा मंडली, मंडली एक छोटी बात नहीं थी, प्रभु का मंडली। दुनिया में बहुत से मंडलियां है लेकिन प्रभु का मंडली वो छुटकारा पाए हुआ लोगों का झुंड है। प्रभु यीशु मसीह की लघु से खरीदा हुआ लोगों का झुंड है, इसका बहुत बड़ा महत्व है ना। जब पौलोस एफेसोस मंडली को उस सेंड ऑफ मीटिंग के टाइम पर कहने वाले एक बात, जब प्रेरितों का उसका मतलब 20 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ना, जिसने अपनी एक पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसने पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। देखा, अपनी लहू से मोल लिया है, बहुत बड़ी बात है प्रियो ना। मंडली प्रभु का लोगों से मूल लिया हुआ खरीदा हुआ लोग है ना। इसके मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ा मानव अवस्था है मंडली का अवस्था, क्योंकि हम इतना प्रभु के लिए मूल्यवान है, हम प्रभु के लिए कितना मूल्यवान है, क्योंकि प्रभु ने अपने मूल्यवान लोगों से हमें खरीदा है ना। वो लोगों का मूल्य के बारे में अपन वर्णन नहीं कर सकता ना, इतना बड़ा दाम प्रभु ने हमारे लिए दिया है ना। बहुत बड़ा खुशी की बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग मतलब हमें मिला हुआ ये छुटकारा के लिए प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए है ना, प्रभु को कितना हम लोग महिमा देना चाहिए। तो लघु से हमें मिला हुआ सबसे बड़ी बात है कि हमको हमेशा का छुटकारा मिल गया, और दूसरी बात क्या है कि हमको इस रीति में सच्चा परमेश्वर की आराधना करने वाला आराधक बनाया है ना। आपको मालूम है परमेश्वर की आराधना सब लोग नहीं कर सकता है ना, तो एक पापी प्रभु की आराधना नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु की आराधना करने के लिए हमें उसका लायक बनाया। देखिए वही अब्रानियों उसका 9 अध्याय का 14 वचन,
मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवित परमेश्वर की आराधना करो। देखा, जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक सच्चा पवित्र दिल के साथ, पवित्र मन के साथ प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने क्या किया है? हमें पूर्ण रूप में शुद्ध किया। प्रियो, कितना बड़ी बात है। आज जब हम प्रभु की आराधना के लिए आया, क्या हम सब लोगों ने अपने आप को परखा, अपने आप को जांचा है? मैं जो परमेश्वर की आराधना के लिए जा रहा है तो मैं हमारा आराधना करने के लिए लायक है कि नहीं? एक सच्चा विवेक के साथ है मेरे मन में किसी प्रकार का कोई दोष हो रहा है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए, जांचना चाहिए, है ना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहु का सामर्थ्य यदि हमारे जीवन में कार्य नहीं किया तो कितना दुखदायक बात है। प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर जरूर प्रभु हमसे बात करता है, ना? प्रभु का लघु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। यीशु मसीह की लघु में हमारा पाप क्षमा हुआ है ना? प्रभु ने हमें अपने पाप से पूर्ण रूप में छुटकर दिया है। और कोई भी बात है ना, इसलिए कोई अब्राहनी उसके नव अध्याय का 26 वचन थोड़ा पढ़ना, 26। नहीं तो जगत को उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। ठीक है, मतलब पाप को दूर करने के लिए वो अपने आप को बलिदान किया। कितना बड़ी बात है पाप को दूर करने के लिए। ये दुनिया में पाप क्षमा देने के लिए सिर्फ एकमात्र नाम है, एकमात्र व्यक्ति है। तो कितना श्रेष्ठ बात है। आपको मालूम है जीवन में लोगों का जीवन में जो भी समस्या आया वो समस्याओं का कारण पाप है। यीशु मसीह मतलब लोग जब चंगाई के लिए भी आया तो उस समय में प्रभु पहले क्या करता था? उनका पाप क्षमा करता था ना? जब मत्ती के सुसमाचार उसका नव अध्याय है उसका 6 से पढ़ना। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, तब उसके लपेट के रोगी से कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए। देखो अभी आप बताओ, अभी प्रभु ने उसको पाप क्षमा दिया और कहा उठ करके तो अपना काट उठा करके ले चले। अभी आपको मालूम है पाप क्षमा करने का सामर्थ्य प्रभु में अगर नहीं होता तो वहां पर चंगाई नहीं होता। दुनिया वहां पर क्या क्या कुड़कुड़ाने लगा। प्रियो, पाप क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को ही सर्व अधिकार है ना? आज भी मुझे सुनने वालों में किसी को, और आप अभी भी पाप का दलदल में है तो, पाप का कीचड़ में पड़ा है तो, यदि अभी तक आपका छुटकारा नहीं हुआ, आपका उद्धार नहीं हुआ, आपका पाप क्षमा नहीं हुआ, प्रियो ये वचन आपके लिए है, ये वचन आपके लिए है। प्रभु यीशु मसीह कलवरी सूली पर जो मरा, यीशु मसीह एक भाभी था इसलिए नहीं मरा, यीशु मसीह हम भाभियों के लिए मरा। वो एक प्राचित का बलिदान था, ये परमेश्वर ने किया, प्रभु ने किया। वो ये काम को आप विश्वास करोगे? प्रभु के ये बात को क्या आप झूठा ठहरोगे? क्रूस की कथा का महत्व वहां पर प्रिय, सब लोग ये बात को अंगीकार नहीं करेगा। प्रभु का वचन कितना सच है ना? पहला कुरिंदी पहला अध्याय का 17-18 वचन, पहला कुरिंदी पहला अध्याय का 17-18। मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं परंतु समाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं। देखिए, शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे, क्योंकि क्रूस की कथा नाश हो
होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। इतना बड़ी बात है भैया, इसमें प्रभु के दास आपको कैसे भी बहकाने के लिए अपना बुद्धि युक्ति इस्तेमाल नहीं करता, वो साफ साफ बोलता है। प्रियो, आपको एक क्रूस का मृत्यु आपको कैसे लगता है, क्या लगता है? प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू सूली पर बहाया, किसके लिए बहाया? मेरे और आपके पापों के लिए। जब आप ये बात को विश्वास करोगे, आपको पाप क्षमा का अनुभव मिलेगा और जीवित आशा मिलेगा। एक बड़ी बात है प्रियो, है ना? जब पहला पत्रोस पहला अध्याय का 21 वचन में, पहला पत्रोस पहला अध्याय, देखिए आपके विश्वास और आशा किस पे होना? परमेश्वर पर। क्योंकि आप ये जो बात सुन रहे हैं प्रियो, ये कोई मनुष्य का ज्ञान की बात नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। और आप इस बात को वचन को सुनकर के तुच्छ कर रहा है तो आप प्रभु का वचन को तुच्छ कर रहा है, प्रभु को तुच्छ कर रहा है ना? इतना बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो। आज अभी तक इसको भी अगर उद्धार नहीं हुआ प्रियो, आप जान लीजिए, आप पाप में जीकर पाप में मरकर नरक में जाना प्रभु की इच्छा नहीं। उसके लिए हमारे लिए प्रभु हमारे लिए पाप ठहरा, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय के 24 वचन में पढ़ता है कि उसने स्वयं हमारे पापों को अपने ऊपर लिया है। और दूसरा कुरिन्थी 5:21 में पढ़ता है जो पाप के लिए अज्ञा था वो हमारे लिए पाप ठहरा, ताकि हम उसमें होकर के प्रभु के धार्मी उस धर्मी का पद में पहुंच कर प्रभु की सच्चा आराधक बन सके। कितनी बड़ी बात है, हमें सच्चा आराधना करने वाला बनाने के लिए प्रभु हमारे लिए पाप ठहरा, प्रभु ने हमारा पाप की सजा उड़ाया। और जितना भी लोग पाप के कारण जो मृत्यु की दासत्व में पड़े थे, प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी सूली में मृत्यु सहते हुए मृत्यु के द्वारा मृत्यु को हराया और मृतकों से तीसरा दिन जीव उड़ाकर हमें जीवित आशा प्रदान किया। कितना बड़ी बात है, प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ काम को आप समझ पाएंगे क्या? ये कोई छोटा बात नहीं, पिता ने यीशु मसीह को मृतकों से जिलाया, बहुत बड़ी बात है, महिमा की दैनी और बैठाया, इतना अनमोल बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों की बहुत सी बात हम पिछले दिनों में भी ध्यान किया है, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाता। आज थोड़ा और गौर में पानी पर देना चाहता हूँ, है ना? सूली में क्या क्या बहा? लहू बहा और पानी। पानी किसको बताता है ना? पानी किसको बताता है? मतलब साधारण डेली में हम लोग वचन को भी पानी बोलते हैं, वो भी सही बात है, पानी का ऐसा कई दृष्टांत है। पर यहाँ पर जो बोला हुआ जो पानी है वो आत्मा पकड़चा या आत्मा मिलने वाला बात को दिखाता है, आत्मा का दान को बताता है। प्रभु हमारे लिए अपनी पवित्र लहू बहाया ताकि हम पापियों का पाप धोकर हमें पवित्र बनाए, प्रभु का उस छाती से खून और पानी निकला, वो पानी हमें आत्मा प्राप्त होने का मार्ग खोला प्रभु ने, हमें प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग बनाने के लिए, हमारा उस दास को बुझाने के लिए प्रभु के उस सीना से पानी भी निकला, है ना? आपको याद होगा प्रभु के आखिरी दिन में प्रभु खड़ा होकर के गवाही दिया, योहन्ना के सुसमाचार 7 अध्याय उसका 37-39। देखा, ये वचन पवित्र आत्मा
के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। कितना अनोखा बात है, हमें प्रभु में विश्वास करने से पाप क्षमा ही सिर्फ नहीं, हमें पवित्र आत्मा भी मिल जाता है, पवित्र आत्मा भी मिल जाता है। तो यो कितना अनमोल बात है ना, प्रभु में से निकला वो पानी का बहुत बड़ा एक चित्र हम लोग पुराने नियम में भी देखता है। पुराने नियम में जब यशया नबी की किताब उसका 55 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़ना, यशया उसका 55 अध्याय का पढ़ दो। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ, दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिसे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगा कर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और जितनी जितनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। देखिए, जब तक आप प्रभु में विश्वास करके अब क्षमा पाकर उस पवित्र आत्मा का दान नहीं पाता, एक सच्चा संतुष्टि के जीवन नहीं बिता पाएगा। और प्रभु बोलता है बिना दाम देते हुए आप प्राप्त करो, है ना। हमने किसी ने उधार पाने के लिए दाम दिया, आत्मा पाने के लिए कोई दाम दिया नहीं प्रियो, ये सब प्रभु ने हमको दान दिया है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आज भी प्रभु लोगों को बुला रहा है, हमेशा का जीवन की बातों को प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है। वही यशया उसका 44:3 भी पढ़ना, यशया ना पुराना नियम का सुसमाचार कहा जाता है, यशया का भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश और अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। मना मैं अपनी आत्मा उंडेलने के बारे में यहाँ पर कहता है, सच में प्यासा होकर के विश्वास के साथ आने वालों को प्रभु देने वाला आत्मा का बारे में। प्रियो बहुत बड़ी बात है प्रियो, ये भी इवन आपको ये वजन भी जब प्राप्त हो रहा है ना, आपको आत्मा प्राप्त होता है ना। ये अनुभव सर्वे जीवन में इस जीवन में रहेगा, ऐसा नहीं, अनंत काल ये हमारा कंटिन्यूस रहेगा, है ना। जब प्रकाशित वाक्य में भी एक गुलाट वहां पर प्रकटीकरण का किताब प्रकाशित वाक्य 22:17 आत्मा दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत में ले। देखा प्रभु सबको बुला रहे प्रियो, कितना टाइम से आप प्रभु का वचन सुन रहा है, आप सबको इस अनमोल दान के लिए आशीष पाने के लिए बुला रहा है। अभी बात को समझा ना, मूर्ख लोग नहीं समझेगा बोलता है, मूर्ख लोग विश्वास नहीं करेगा, तो आप मूर्ख है क्या है? प्रियो नाश होने वालों के लिए ये मूर्खता है, जीवन पाने वालों के निकट ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। आज भी लोगों का अवस्था क्या है, लोगों को मौका नहीं मिला ऐसा नहीं, लोगों को अवसर नहीं मिला ऐसा नहीं, लोग जान पूछ करके सच्चाई को त्याग देता है ना। प्रभु देने वाले एक गवाही, बहुत से वचन है लेकिन 2-3 बात मैं आपको बताऊं। प्रभु खुद है ना हमारा गवाही देकर कहता है, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन, यिर्मयाह उसका 2 अध्याय का 13 वचन, क्योंकि मेरी प्रजा ने तो बुराई की है। देखिए सुनो, प्रभु अपने ही लोगों के बारे में कह रहे हैं, ध्यान से सुनना प्रियो, अपन क्रिस्ती कहते हुए मसीह को छोड़कर प्रभु के दानों को छोड़कर अपनी मनमानी में जीकर कितना बड़ा धोखा खा रहा है। आप देखिए, मेरी लोगों ने 2 बुराई किया, क्या क्या किया, बुढ़ाने मुझे पहनते जब के सोते को त्याग किया है। देखा है प्रियो, उस जीवन के स्रोत को त्याग दिया, इतना दुखदायी बात है ना, जीवन का जल का स्रोत है हमारा प्रभु यीशु मसीह, कौन है वो जीवन का जल का स्रोत है ना। उसे जीवन पाने के लिए प्रभु बुला रहा है, उन्होंने जो भी मार को आगे पढ़ना, उन्होंने हौज बना लिए और ऐसे हौज जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। देखा, मतलब बिल्कुल एक झूठ मूठ का तसली के लिए, कितना दुखदायक बात है प्रियो ना। आज प्रभु सबको अपने पास बुलाता है,
शांति के लिए बुलाता है, लेकिन लोग शांति के लिए अलग मार्ग देखता है। आज आपको मालूम है, आजकल का न्यूज सुनेगा तो बहुत भयंकर है ना, बच्चे लोग जवान लोग इतना बिगड़ते जा रहा है नशा वाले चीज इस्तेमाल करके, है ना, बहुत भयंकर बात है। स्कूलों में कॉलेजों में बहुत भयंकर अवस्था है, कितने लोग इसमें मानव नाश हो रहा है। प्रियो, उन लोगों को एक झूठा खुशी दिला करके, झूठा शांति के मार्ग बजा करके लोगों को भरमा रहा है, कितना भयंकर बात है। कितने लोग उसमें भाग जा रहा है। प्रियो, सच्चा जीवन का स्रोत है ना, प्रभु हमको बुला रहा है। प्रियो, प्रभु के बुलाहट को स्वीकारना कितना श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वही यिर्मयाह में 17:13 हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। देखा प्रभु, प्रभु को छोड़ने वाला क्या होगा? लज्जित होगा। और आगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने, क्योंकि उसका कारण क्या है? उनका नाम कहाँ लिखेगा? जीवन का किताब में लिखेगा, नहीं नहीं मतलब मिट्टी की रजिस्टरों में रहेगा, है ना, पंचायत रजिस्टर में, म्युनिसिपैलिटी के रजिस्टर में, है ना, कॉलेज के रजिस्टर में, यूनिवर्सिटी के रजिस्टर में, चाहे आखिर में गिनीज बुक में भी रहेगा, सब मिट्टी में लिखा जा रहा है, मिट्टी में लिखा जा रहा है, सब मिट्टी में लिखने वाला बात है। मर्दु प्रियो, जीवन का किताब में मेरा नाम है क्या है? ये बात को इधरी जीते जीते यकीन करना है, क्योंकि जीवन का स्रोत प्रभु यीशु मसीह जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा तो हमारे नाम जीवन के किताब में नहीं आएगा। और उसका आगे पढ़ना, क्योंकि उन्होंने पहते जल के सोते को सोते यहोवा को त्याग दिया है। देखा, उस प्रभु को त्याग दिया, सच्चा जीवन का जल का स्रोत को त्याग दिया। प्रियो, ऐसा लोगों को जीवन का अनुभव कैसे रहेगा? जब शमरिया श्री के साथ बात करने के टाइम पर शमरिया श्री याकूब की ओर से मिला हुआ उस कुआ का बहुत तारीफ किया, तब यीशु मसीह ने उसको कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 4:4 उसका 13:14 यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, जो मैं उसे दूंगा वो जल में से जो पिएगा अनंत काल तक। देखा कितना मनोहर बात है प्रियो, वो अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, है कितना बड़ी बात है क्या प्रियो? ये कोई कथा कहानी नहीं, ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति का कोई शब्द नहीं प्रियो, ये जिंदा परमेश्वर का वचन है, जीवित परमेश्वर का वचन है। ये वचन हम विश्वास करोगे? ये वचनों को हम स्वीकारोगे? आप थोड़ा सोचो प्रियो, परंतु हम लोग प्रभु के वचन सुनने के समय में हम उस पर विश्वास करके उसकी आशीष ना पाने के लिए मतलब खिलाफ में एक व्यक्ति काम करता है, शैतान। शैतान विश्वास ना करे, ये बात को ना स्वीकारे, है ना, कितना भयंकर बात है प्रियो। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठने के बावजूद भी, आप प्रभु की वाणी सुन रहा है इसके बावजूद भी आप विश्वास करके उसको स्वीकार कर पाता है क्या? आप देखो, इसमें कोई किसी का ऊपर जबरदस्ती है क्या? नहीं। देखिए, पुराने नियम को भी इसराइल को कौन चलाया? उन लोग जल पीता था, वो एक मतलब कहां से आया? वो जल चट्टान से आया, चट्टान को मारा है ना। जब निर्गमन का किताब उसका 17:5 उसका 5:6 निर्गमन उसका 17:5 यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ लेकर लोगों के आगे आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ के एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, उसमें से पानी निकलेगा। प्रियो, तू उस चट्टान को मारना और वो चट्टान से पानी निकलेगा। देखिए, इसराइल के लोगों को प्यास बुझाने के लिए चट्टान को मारा गया। आपको मालूम है पुराने नियम में परमेश्वर को दिया हुआ एक नाम है चट्टान,
है ना, प्रभु चट्टान कौन था? हाँ क्लियर, प्रभु माना उनको जब पना को इंदीर ऐसा दिया है का चार बजे क्योंकि उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलते थी। देखा वो चट्टान उनके साथ साथ चलते थे और वह चट्टान मसीह था। हाँ देखा वो चट्टान कौन था? मसीह था। प्रयोग मसीह से निकला वो जीवन का जल ना हमारे जीवन में, हमें बात को जानना है सच में हमारा प्यास बुझाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु की ओर से वो जीवन जल निकलता है। अभी आपको मालूम है आज यहां पर भी वो जीवन जल बह रहा है, परंतु कितने लोग इसको पी करके तसल्ली पाता है वो व्यक्ति को और प्रभु को मालूम, क्योंकि जो विश्वास से आया जो सच्चा तैयारी में आया उनको अनुभव मिलता है। एक सही तैयारी चाहिए, सही तैयारी चाहिए। भविष्य में भी यहूदियों के लिए एक ऐसा एक स्रोत खोलेगा ना, जकरिया ने भी में लिखा है ना, एक कृपा युग समाप्त होने के बाद में है। आपको मालूम है जब महाक्लेश का दिनों के अंत में प्रभु यहूदियों के लिए एक ऐसा एक स्रोत खोलेगा है ना, जकरिया उसका तेरह अध्याय का पद होता है। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। देखा प्रभु उनके लिए है, अभी उनको ये सारी बातें बहुत मतलब बंधन में है, वो लोग नहीं जान पाता है। बहुत कम लोग हैं यहूदियों में से विश्वास में आया, और जो प्रियो उनके लिए प्रभु उस समय में, क्योंकि उनके लिए प्रभु ने एक समय रखा है, उस समय में प्रभु उनके लिए वो स्रोत खोलेगा और उनको वो बात मालूम पड़ेगा। आपको मालूम उसका छह वचन पढ़ रहा, तब उसे पूछा जाएगा तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए। देखिए ये कब का बात है, ये वो महाक्लेश के अंत में, सात साल के महाक्लेश के अंत में उन लोग मसीहा के लिए पुकारेगा। तब यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ बादलों में आते हुए देखेगा। उस समय में प्रभु उनको बोलेगा देख मैं आ गया हूं। जब उन लोग उसके हाथों में देखेगा तो वहां पर गांव देगा देखेगा, तब वो लोग चिल्ला कर पूछता है प्रभु ये गांव कैसे हुआ। तब प्रभु ने क्या बोला, तो वो कहेगा ये वही है जो मेरे प्रेमियों के घर में, प्रेमियों के घर में मुझे मिला हुआ तोहफा है। प्रियो प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के बीच में आया, उनके लिए आया, पर तो उन्होंने नहीं जाना। उस समय में उनको मालूम पड़ेगा ओ हमने कितना बड़ा अपराध किया। उसके नौ वचन पढ़ना, उस जहाज को मैं आग में डालकर जैसा निर्मल करूंगा, जैसा रूपा निर्मल किया जाता है और ऐसा जाचूंगा जैसा सोना जाता है। सात साल प्रभु उनको एक कढ़ाई में डाल करके अच्छी तरह उसमें जांचेगा। प्रियो उसके बाद में उनके अंदर सच्चाई का एक प्यास उत्पन्न करेगा, उस लोग प्रभु को देखेगा। उस समय में मानव प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले मेरे लिए हमारे लिए आया था, उनको ने उनको इस प्रकार किया उनको याद आएगा। तब मैं आपको बताऊं प्रभु बाइबल में कहा है कि उस समय में एक दिन नहीं दो दिन नहीं पूरा एक देश एक ही दिन में उधार पाएगा। आप देखो जब यशायाह नबी की किताब 66 अध्याय है उसका 8 वचन पढ़ो, ऐसी बात किसी ने कभी सुनी, ऐसे बात किसी ने कभी सुनी, किसने कभी ऐसी बातें देखी, देखी है क्या कभी किसी ने देखा क्या? नहीं देखा। क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? देखा एक देश पूरा एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में उत्पन्न हो सकती है? देखा सारी यहूद जाति एक ही क्षण में एक ही दिन में सब के सब उधर गिर करके प्रभु को बोलेगा प्रभु वो गुना हमने किया प्रभु हमें माफ कर। प्रियो सब लोग रो रो करके प्रभु को बोलेगा है ना, कितना बड़ी बात है प्रियो। और प्रभु उनके लिए राज स्थापना करने के लिए अब ये समय आ रहा है ना, कितना अनमोल बात है। उस समय में प्रभु ने उन लोगों का पाप कभी स्मरण नहीं करेगा। प्रभु का एक खूबी ऐसा है प्रियो
ना यरेमिया नबी की किताब उसका 50 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ना। यरेमिया उसका 50 अध्याय का 20 वचन देखा, इसराइल की पाप को ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रियो प्रभु सबको क्षमा करेगा, कितना अनमोल बात है। प्रभु का वचन कितना सत्य है, प्रियो प्रभु का वचन कितना सत्य है ना। हमें हमारे लिए प्रभु ने जो कार्य किया उसका बारे में हमें कितना अच्छी रीति में जानना चाहिए ना। प्रभु को हम कैसा प्रभु को महिमा करना चाहिए, बहुत ही बड़ी बात है प्रियो। उसका 31 का 24 भी पढ़िएगा यरेमिया, देखो 30 का 24 34 सॉरी तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना पड़ेगा, यहोवा को जानो क्योंकि यहोवा की वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप भी स्मरण न करूंगा। कितना सुंदर बात है, प्रभु कभी भी पापों को स्मरण नहीं करेगा। प्रियो हमारे लिए हमारे जीवन में आज जब हम प्रभु को बसरी में आया, आज हमारी अवस्था क्या है? प्रभु के सामने जो व्यक्ति अपने पाप कबूल करके उद्धार पाया, उस व्यक्ति का उस समय तक का सारे पापों को प्रभु ने एक ही क्षण में सारे पापों को क्षमा किया। और जो इसके बाद में जब हम प्रभु में आने के बाद में हम पाप करता है तो हमें हरेक पापों को हमें कबूल करके अपने पछताव करना जरूरी बात है। आज हमें परखना है, मेरे जीवन में मैं प्रभु की आराधना के लिए आया, प्रभु के साथ पाचा बांधने के बाद, यीशु मसीह को मेरा दिल देने के बाद, मैं अभी भी किसी प्रकार का प्रभु का इच्छा का बाहर मेरे जीवन की यात्रा है क्या? प्रभु का दिल को दुख देने वाला कोई भी कार्य मेरे जीवन में होता है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए। हमारा विवेक क्या गवाही देता है? जरूर हमसे गलती होने के टाइम पर प्रभु के आत्मा में याद दिलाएगा, उसको हमें कबूल करना और पछताव करना जरूरी बात है, और प्रभु से मेल खा करके जीवन बिताना जरूरी बात है। तो प्रियो प्रभु हमारे लिए कितना महान कार्य किया, तो प्रभु यीशु मसीह की उस भाला से छेदा हुआ सीने से लहू और पानी निकला, लहू से हमारा सारा पाप धोकर शुद्ध करता है और पानी हमें आत्मा को प्रदान करता है। कितना धन्य बात है प्रियो, कितना धन्य बात है। प्रभु के लोग पाप क्षमा पाकर प्रभु की आत्मा पाकर प्रभु का जन बनकर जीने वाला जीवन है, इसलिए रोमियों 8:9 में लिखा है जिसमें मसीह की आत्मा नहीं हो मसीह का जन नहीं। प्रियो हमें परखना है, मैंने प्रभु में विश्वास करने के द्वारा प्रभु की आत्मा को पाया है कि नहीं, आज मैं उस आत्मा में प्रभु का सच्चा आराधना कर पा रहा है कि नहीं, ये बात को हम हरेक लोग परखकर देखना है, अपने आप को जांचना है, देखना ही अपने आंख में बंद करें, अपने आप को परखे। मेरे जीवन में आज कालवरी सूली से बहा हुआ उस लहू का और उस पानी का वास्तविक अनुभव मेरे जीवन में मैंने प्राप्त किया है कि नहीं? मैं प्रभु को सही प्रकार एक सच्चा आत्मिक आराधना में कर पाता है कि नहीं? अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना प्रिय। योग्य रीति में हम प्रभु का मेष पे अपने हाथ बढ़ाना है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को परखते ही बिना, जांचते ही बिना प्रभु ने हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया, वो वास्तव में अनुभव में लेकर जीवन बिताते बिना इसमें भाग लेना गुना है प्रियो, पाप है। इसलिए अपने आप को जांचे परखे, योगी रीति में शामिल होकर के प्रभु के आगमन की बात जोने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करे। प्रभु को सारा महिमा, आमीन।